हेलो दोस्तों मैं हूं राहुल सूर्या और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल सुपरसिक्टेड टेक्नोलॉजी सो so, आज के यहाँ वीडियो उन भाइयों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है जो भाई अपना खुद का गेम डेवलप करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको प्ले स्टोर पर डाल के अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हैं तो अपना खुद का ऐप आप क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का गेम डेवलप कर सकते हो विदाउट कोडिंग किसी भी कोडिंग की किसी भी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कोडिंग नॉलेज के आप किस तरह से एक गेम बना सकते हो तो दोस्तों बैकग्राउंड से कुछ नॉइस आ रही होगी तो उसको आप इग्नोर करना क्योंकि मैं एक अलग जगह पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको किसी कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हूँ देन आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाकर लिखना है ऐप गिजर आपको ऐप गिजर के बारे में पता होगा अगर आपने मेरा पहली वीडियो देखा होगा तो इसमें ऐप गिजर आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो देन वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉग के बटन पर क्लिक करके आपको इसको लॉग कर लेना है ठीक है लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट ऐप्स फॉर फ्री आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे दिखेगा इंडिविजुअल तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करना है जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है जैसे ही नीचे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा केस सिमलेटर आपको इस केस सिमुलेटर वाले पे क्लिक कर देना जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा तो आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नेक्स्ट तो आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा ऐप का सेटिंग तो आपको यहाँ पे गेम का एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है फोटो और यहाँ पर आपका गेम का जो लोगो होगा जो किसी भी एप्लीकेशन का एक लोगो होता है जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे एक म्यूजिक है जो म्यूजिक का ऐप है इसका यहाँ पे लोगो है तो आप अपने गेम के लिए कौन सा लोगो तो रख रखना चाहते हो उसका आप यहाँ पे जो साइज यहाँ पे दिया गया है चार सौ सिक्सटी फोर सिक्सटी इंटू टू uh, हंड्रेड इतना साइज का आपको एक इमेज बना लेना है उसके बाद यहाँ पे आके अपलोड कर देना है तो चलो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को और यहाँ पे लोगों को अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या क्या हूँ कि गेम का बैकग्राउंड यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ उसके बाद यहाँ पर गेम का जो लोगो है मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ देन आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे दिखे कि हेच वन यानी कि आपको को केस का नाम लिखना है और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किस तरह का गेम यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि मैं जो गेम डिजाइन करने वाला हूँ वो है वो एक गेम होगा गन डील ऐप यानी कि ग, गन का डीलिंग करने वाला ऐप मैं गेम बनाने वाला हूं यानी कि उस गेम में क्या होगा कि आप गन को डील कर सकते हो आप गन को वहां पर गन का रिवार्ड अब अर्न कर सकते हो और उसको आप सेल भी कर सकते हो ठीक है तो गेम मैं यही वाला गेम बनाने वाला हूं तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना और इस तरह से अगर आप इस गेम को देख लोगे तो आप कोई भी गेम को क्रिएट कर पाओगे आप अपने अकॉर्डिंग ठीक है तो यहाँ पे आपको पहले कैश नेम दिख रहा है तो मैं यहाँ पे पहले दे देता हूँ कि एक केस जो मैं यहाँ पे मान चलो कि मैं एक एक कैटेगरी बनाता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे गन मैं यहाँ पे लिखता हूँ गन और इसका मैं रिवार्ड जो दे देता हूँ यहाँ पे मैं बीस देता हूँ ठीक है इसका प्राइस जो है बीस बीस दे देता हूँ देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैस का इमेज तो आपको शो हो रही है आपको यहाँ पे केस का इमेज आपको शो करना है और यहाँ पे स्पाइन बैकग्राउंड फॉर कैश यानी कि जो आपको उसमें जब स्पाइन करने का यानी कि जब नचेगा उस गेम में और आप एक रिवार्ड पाओगे जीतोगे कि कौन सा गन आपने जीता है उसके लिए उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो मैं इसमें दोनों को अटैच कर देता हूँ अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एड लिस्ट ऑफ कॉमन स्किन्स फॉर द केस यानी कि यहाँ पे आपको आइटम का नाम देना है और यहाँ पे आपका स्किन का जो नेम होगा उसका नेम देना है यहाँ पे आइटम का प्राइस आपको रखना है देन यहाँ पे आपको एक, एक, एक स्टॉक इमेज आपको यहाँ पे उसे जो वैल्यू होगा उसको वैल्यू रखना है जैसे कि मान के चलो कि मैं एक ए, गन का डीलिंग बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आइटम का नाम रखूंगा जैसे यहाँ पे मैं ए के रखता हूँ गन का नाम उसके बाद मैं यहाँ पे स्किन का नाम रख देता हूँ कि कैश है हंड्रेड यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किन नेम यानी कि आप यहाँ पे प्राइस जीत सकते हो और यहाँ पे प्राइस का मैं वैल्यू रख दूँगा जैसे कि मैं यहाँ पे चलो मैं नाम रख ही देता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ गन वन मैं नाम दे देता हूँ गन वन यहाँ पे और स्किन का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्किन का नाम भी लिख देता हूँ गन वन ठीक है उसके बाद यहाँ पे आते हैं और गन वन लिखने के बाद यहाँ पे इधर आते हैं और इधर आने के बाद आपको क्या करना है कि इसका एक प्राइस सेट कर देना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्स लिख लिख देता हूँ और इधर आने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें भी आपको कुछ वैल्यू ऐड कर देना है तो मैं यहाँ पे नाइन डाल देता हूँ देन आपको यहाँ पे स्क्रीन का जो इमेज होगा उस इमेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो उस तो पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इधर आने के बाद कोई भी गन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं इसको इस वाले गन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो इमेज है ये वाला गन जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है इसी तरह आपको यहाँ पे जो उस इसी तरह से आपको पांच आइटम को इसमें डालना है जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाल दिया हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड डालना है उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड डालना है आपको पाँच केस इसमें बनाना पड़ता है तो यहाँ पर आप पाँच को ऐड कर देना है तो मैं फटाफट से मैं आप सभी को पहले करके कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ तो मैं आप सभी को एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको मैं यहाँ पे गेम का एक बैकग्राउंड लगाया था उसके बाद यहाँ पे गेम का जो इमेज है अटैच इमेज गेम का लोगो उसको मैं यहाँ पे लगाया था देन आपको यहाँ पे केस का नाम मैंने गन रखा था यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे सेट कर दिया था ट्वेंटी और उसके बाद यहाँ पे इमेज मैंने अटैच कर दिया था देन उसके बाद स्प्राइन वाला जो केस है उसको मैं यहाँ पे गन का एक लगा दिया था देन यहाँ पे एक आइटम नेम मैं यहाँ पे गन एक सेलेक्ट किया था उसका नाम यहाँ पे इसकी नेम गन और इसका प्राइज मैंने सेट किया था आप कुछ भी अपने प्राइज को सेट कर सकते हो यहाँ पे फिर इमेज में गन

देन इधर आने के बाद आपको अगर यहाँ पे स्पाइन इस जब इसका जो नचने वाला जो आएगा यहाँ पे स्पाइन जब आपका गेम को करेगा उसमें तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड का जो होगा उसमें आपको अपना अपना साउंड खुद का लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो ये तो बाई डिफॉल्ट इसमें क्या होगा कि एक ये साउंड इसमें लगा हुआ आ जाएगा अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर अपलोड फाइल कर सकते हो ये मैंडेटरी नहीं है आप इसको छोड़ भी सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमन स्किन कलर है आप चाहे तो इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे कलर सेट कर सकते हो गेम का ठीक है आप एक, अपने अकॉर्डिंग कोई भी गेम का कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो ठीक है देन इसके नीचे आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे इकोनॉमी सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है तो इसको आपको सेम इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि स्टार्ट अमाउंट ऑफ मनी यानी कि जो गेम स्टार्ट होगा तो कितना अमाउंट से यहाँ स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पे वन थाउजेंड रिख दिया उसके बाद रिवाडेड वीडियो रिवार्ड अमाउंट यानी कि उसमें एक वीडियो आएगा ऐड का वह ऐड का वीडियो जब शो होगा तो उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे तीन सौ मिलेगा मैंने यहाँ पे क्लिक रिवार्ड अमाउंट यानी कि जब जब आपको उस इमेज पे क्लिक करेगा तो उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा तो एक मिलेगा देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है इधर आने के बाद आपका यहाँ पे ऐप का नाम पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐप का नाम जो है मैं यहाँ पे ऐप का नाम लिख देता हूँ गन डील गन डील गेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गन डील गेम नाम एक लिख दिया हूँ ऐप का उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा देन यहाँ पे आपको आता है यहाँ पे आइकन आप चाहते हो यहाँ पर डिफॉल्ट आइकन भी यहाँ पे रहने दे दे सकते हो नहीं तो यहाँ का आप ऐप का जो आइकन है आप यहाँ पे कस्टम इमेज आइकन भी डाल सकते हो तो मैं इस पर क्लिक किया उसके बाद आपको यहाँ पे पाँच सौ बारह वाई पाँच सौ बारह का एक आइकन बनाना है लोगो बना लेना है उसके बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है तो मैं एक लोगो बनाकर रखा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे सलेक्ट करूँगा देन यहाँ पे डन के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो ये लोगो है इसको यहाँ पे क्रॉप करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्रॉप के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ देन यहाँ लोगो जो है यहाँ पे अटैच हो गया उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद सब सेटिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा देन आपको यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है जिससे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो गेम है वह बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल यानी कि आपको इसको साइन इन करना है लॉग इन करना है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू भी गूगल पे क्लिक करके मैं एक आई से लॉग इसको कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता तो हूँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर सब कुछ हो चुका है उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से एडिट कभी कर सकते हो ऐप सेटिंग पे आपको जो भी गड़बड़ बड़े लगा आपको उस पर क्लिक करके वहाँ से आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो देन आपको क्या करना है यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यह जो आपका गेम है वह बनना क्रिएट होना रेडी हो जाएगा यहाँ पे नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ और आपका अगर नेट कनेक्शन फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी प्रोसीजर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर वीडियो को जब तक पॉज कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका गेम यहाँ पे बन कर रेडी हो गया है आप लोग ऊपर में देख सकते हो और यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन का आइकन भी दिख गया है तो चलो मैं आप पहले इसको गेम को आपको डाउनलोड करके हम लोग टेस्ट करेंगे देन आपको बताएंगे कि इसको प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश करना है इसके बाद मैं डाउनलोड के बटन के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही क्लिक करूंगा तो नीचे में एक, एक खुल गया आएगा डाउनलोड योर ऐप आप चाहे तो अपना जो आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे आप इसका लिंक सेंड कर सकते हो नहीं तो नीचे आने के बाद आपको इस क्यू आर को कोड को भी स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा है आपको इस लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो तो मैं जैसे ही इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो कि इस गेम का गेम आ, यहाँ पे गन डील गेम का नाम मैंने रखा था तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और नीचे आने के बाद क्या करना है यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड तो आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऐप है यहाँ पे कुछ सेकेंड यहाँ पे ले रहा, ले, ले लगेगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोडेड और बिल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इतना इतना टाइम तो इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे ऐप है वह बिल हो गया है आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ सेकंड कुछ मिनट आप यहाँ पे वेट कीजिए उसके बाद आपका जो ऐप आप है वह बिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे मैं कुछ समय में वेट कर करता हूँ और यहाँ पे ऐप जो है यहाँ पे बिल्ड हो गया है तो यहाँ पे जो अपना गेम है वह गेम यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए यहाँ पे आ गया है चूज वेयर टू डाउनलोड आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन का दिखेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको और इस टाइप का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है जैसे ही ओके प्रेस करोगे आपका डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करके आप सभी को दिखा रहा हूँ तो देखो ये जो मैंने गेम क्रिएट यहाँ पे किया था वो इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है तो इसको मैं इंस्टॉल होने देता हूँ तो इस किस तरह का आपके तो पास भी आएगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल एनी पे पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे एनी पे क्लिक करने के बाद आपको वो इंस्टॉल हो गया है सो तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद देखते हैं कि गेम क्या इंटरफेस किस तरह का बना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक ही कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट किया था उस समय यहाँ पे एक ही केस हम लोग बनाया था है यहाँ पे गन का तो यहाँ पे गन का ही आ रहा है आप इस तरह तो से कितना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड जो इमेज लिया था यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड में कितना मस्त लग रहा है और वहाँ पे एक हजार का जो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है देन यहाँ पे आपको आने के बाद थोड़ा सा नीचे आने आते हैं और इधर आने के बाद इस पर पहले क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होम पेज पे ही हो आप यहाँ पे गन वाले पे क्लिक करेंगे तो जितना आप यहाँ पे गन जीते होंगे वो आप पे यहाँ पे शो होगा उसके बाद यहाँ इधर आते हैं और इधर आने के बाद हम लोग क्या किए थे वाच वीडियो के लिए तीन सौ पे रखे थे और यहाँ पे पर क्लिक के लिए एक एक तो यहाँ पे कुछ इमेज है देखो यहाँ पे इसको मैं जितना क्लिक करूँगा यहाँ पे उतना ही क्वाइन यहाँ पे बढ़ेगा उसके बाद यहाँ पे बैक के बटन पे क्लिक करूँगा उसके बाद आता हूँ चलो इधर और गेम को प्ले करता हूँ यहाँ पे इस गेम को मैं यहाँ पे किया हो क्लिक तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोग केस बनाए थे यहाँ पे गन वन टू थ्री फोर फाइव करके यहाँ पे सब गन शो हो रही है यानी कि अब किसी भी गन को मैं क्लिक करूँगा जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ इधर आने के बाद आपको इधर क्या करना है ओपन केस पे क्लिक करना है तो जैसे यहाँ पर ओपन केस पे मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी गन आपके आपके सामने आएगा जो सिलेक्टेड होगा वह गन आप जीत पाओगे तो देखो यहाँ पे आ, चलो ए वाला गन मैं जीत चुका हूँ और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है यहाँ पे साठ है तो क्या करता हूँ मैं इसको आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो और यहाँ पे आप सेव करते हो मैं इसको क्या करता हूँ पहले सेव पे क्लिक करता हूँ फिर उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन केस जैसे यहाँ पे मैं ओपन केस किया हूँ आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ है गेम बन चुका है बहुत ही बहुत ही बढ़िया गेम यहाँ पे डिजाइन हो चुका है तो आप लोग देखो कि ये वाला जो गन है आप यहाँ पे फिर से जीत चुके हो तो आप यहाँ से इसको मैं यहाँ पे फिर से मैं सेव करता हूँ फिर से मैं ओपन केस पे क्लिक करता हूँ और फिर से देखता हूँ कि कौन सा गन यहाँ पे आपके लिए वेस्ट है और कौन सा गेम आप जीत पा रहे हो तो देखते हैं और ये वाला गन जो है फिर से मैं यहाँ पे ये वाला गन जो मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ उसके बाद क्या करता हूँ फिर से सेव करता हूँ सेव करने के बाद मैंने जितना गन जीता था और इस गन वाले पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे मैं तीन गन जो है यहाँ पे जीत चुका हूँ यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है यहाँ पे आठ डॉलर ही रह गया है तो अब इसको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इस ये जो गन है इसको मैं सेल करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर सेल का बटन जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे इस पर आप क्लिक करोगे गन सेल हो गई यहाँ पे आप देखो इसका वैल्यू 906 हो गई है अब यहाँ पे 906 सौ तो फिर से इस पर मैं क्लिक करूँगा फिर से यहाँ पर सेल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये भी सेल हो गया यहाँ पर नौ हो गई है अब नौ सौ छियासठ यहाँ पर फिर से मैं सेल करता हूँ यहाँ पे वन ट्वेंटी सिक्स डॉलर हो गई है इस तरह से आप किसी भी तरह से ये गेम आप डिजाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करके इसको अर्निंग कर सकते हो आप, आप बात करते हैं कि इसको प्ले स्टोर पे आप कैसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो तो आपको क्या करना हुआ? दोस्तों कि प्ले स्टोर पे इस ऐप को पब्लिश करने के लिए आपको एक प्ले स्टोर कंसोल का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका डॉलर आपको पच्चीस डॉलर पे करने होंगे एक बार आप पच्चीस डॉलर जब पे कर दोगे यहाँ पे उसके बाद आपको आप चाहे तो कितना भी गेम वहाँ पे पब्लिश कर पाओगे उसका कोई लिमिट नहीं होती है ठीक है तो आपको क्या करना है इधर आने के बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आप ऐप गिजल का यहाँ पे प्रीमियम ले लेते हो तो यहाँ पे अभी डील चल रहा है कि आप पर ऐप की जगह प्रीमियम ले लो उसके बाद प्रीमियम लेने के बाद इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे आते हैं डैश बोर्ड आते हैं उसके बाद क्या करते हैं पहले यहाँ पे आते हैं और डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो लाइव मैं जैसे यहाँ पे गो लाइव के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पे गाइड यहाँ पे किया जाएगा कि देखो पहले इसको सेल को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ बाद देखो यहाँ पे पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ करना है गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए तो यहाँ पे क्रिएट डेवलपर अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा यहाँ विजिट बीजिटा गूगल प्ले डेवलपर कंसोल साइन अप पेज एंड पे पच्चीस डॉलर रजिस्ट्रेशन भी आपको पच्चीस डॉलर रजिस्ट्रेशन फी पे करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पे ऐप को डेवलप कर अपलोड कर पाओगे और पब्लिश कर पाओगे तो इसका मैं एक लेंथ वीडियो आन दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कि उसमें आप हम लोग किस तरह से एक गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे किस तरह से अकाउंट अकाउंट सेटअप करेंगे और ऐप को पब्लिश करेंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब सबस्क्रा, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना तो चलो आज का वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में